हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो में बात करेंगे कि टाटा गाड़ियों का क्लच एडजस्ट से कैसे करें। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, गाड़ी कुछ महीना चलने का बाद, 10-12 महीना चलने का बाद क्या होता है, किसी में प्ले ज़्यादा रह जाता है क्लच में, किसी में प्ले कम हो जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्लच प्लेट फेसर प्लेट नया डाल देते हैं, फिर भी कोई में क्या होता है, गियर टाइट से लगता है, जाम से लगता है, और किसी में क्या होता है कि क्लच पूरा छोड़ने का बाद ही गाड़ी मूव होता है। वो सब प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करें, वो सब का एडजस्ट कैसे करें। थोड़ा दिन पहले मेरा पास भी एक हुआ था प्रॉब्लम, तो मैंने उसको ठीक किया था कि सोचा क्यों ना आप सभी का साथ भी ये बात शेयर करूं, इसको एडजस्ट कैसे करें इसको आप सभी का साथ बताऊं। आजकल क्या है फ्रेंड्स कि जो इसका क्लच सर्वो है डायरेक्ट हाउसिंग में लगा हुआ है। पहले वाला मॉडल में क्या था कि लेफ्ट साइड में डायरेक्ट गियरबॉक्स का बॉडी में लगा हुआ था और सर्वो में एडजस्ट के लिए रोड भी था। अभी का गाड़ियों में वो सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं वो जो 24 नंबर का बोल्ट दिखाई दे रहा है, नट और बोल्ट, जैसे देख पा रहे होंगे कि इसका जो सर्वो है क्लच सर्वो, ये हाउसिंग में डायरेक्ट फिट है, क्लच हाउसिंग में, गियरबॉक्स का हाउसिंग में, तो इसमें सर्वो से तो एडजस्ट करने का जगह है नहीं। हम लोगों को अभी फ़िलहाल यहीं से एडजस्ट करना होता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि कंपनी ने एडजस्ट का जगह नहीं दिया, जगह दिया हुआ है। यदि आपका गाड़ी में प्ले ज़्यादा है, गियर लगने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, 24 नंबर नट को खोल के वो बोर्ड का अंदर टाइट करना होगा, तो क्या होगा, प्ले कम हो जाएगा, गियर आसानी से लगेगा। यदि आपका गाड़ी में क्या है क्लच में प्ले बिल्कुल नहीं है, क्लच छोड़ने के बाद भी गाड़ी मूव होने में परेशानी हो रहा है, धीरे से मूव हो रहा है, उसमें क्या करना होगा आपको, वो नट को खोल के बोल्ट को लूज करना होगा। तो यहीं से क्लच एडजस्ट होता है, यही टाइप से। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय।